मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बहोरीबंद का किया भूमि पूजन। पानी की समस्या से दूर रहे बहोरीबंद के प्रसार क्षेत्र के ग्रामीणों की दशकों पुरानी मांग आज पूरी होने की आधारशिला प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रख दी। उन्होंने बहोरीबंद पहुंचकर 1011 करोड़ के माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बारिश के बीच दोपहर 3 बजे बहोरीबंद पहुंचे। गौरतलब है कि बहोरीबंद माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से विधानसभा क्षेत्र के 146 गांव सहित कुल 151 गांव की 80,000 करोड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। भूमि पूजन के साथ इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पहले बारिश के बीच दोपहर 3 बजे बहोरीबंद सिमरापाटी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर पहुंचा। मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीजी शर्मा मौजूद थे। सीएम का स्वागत जिले के विधायकगण संजय सत्येन पाठक, प्रणव पांडे, संदीप जायसवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा समेत अन्य नेताओं ने किया। मुख्यमंत्री कार में बैठकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में जनसमुदाय मौजूद रहा। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री के प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मंच पर पहुंचते उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन परियोजना सहित अन्य 3 योजनाओं का भूमि पूजन किया। देखिए RPKP इंडिया न्यूज कटनी से अभिमन्यु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमारे सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा बीडी साहब जी का स्वागत आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और आप बड़ी मन भी भेज करें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात बहोरीबंद और कटनी के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे यहाँ पर मधारे हैं। पगड़ी देकर उनका स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी विधायक बड़वारा, साथ ही मैं अपने प्रभारी मंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी से निवेदन, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय श्री संदीप जायसवाल जी से निवेदन कि वे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे सम्मानीय अतिथियों को पगड़ी पहना कर रंग वस्त्र देकर हुए। माननीय विधायक जी, आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, और हरा आदर और सम्मान इन स्मृति सरकार ने बढ़ाया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है। आज मैं सरकार के आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का परसों मानी सरकार ने उसको पारित किया है। 70 साल के ऊपर हमारे बुजुर्गों को आयुष्मान का कार्ड लाभ मिलेगा, इसके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों की चिंता भी हमारी सरकार ने की है। आप सबको प्रणाम करता, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके बहोरीबंद में होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही, जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य आयोजन के लिए। त्योहार क्या होते हैं? अपने जीवन में सारे आनंद के रस घोलकर जो डुबो दे तो त्योहार, तो पर्व, वो आनंद आता है। और सच्चे अर्थों में मुझे बता रहे थे प्रणय कि 40 साल से जिस योजना का इंतजार है, हम तो भगवान राम के 14 साल को प्रणाम करते, उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे, उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे, मेरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग, वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण पे भरोसा, जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं।
वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र में कोई बांध बनता है, पुल बनता है, असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और आपकी विधानसभा में प्रणय पाठक दोनों बराबर है, इनने विकास का जो बाल पे छक्का लगवाया कि स्टेडियम के बाहर गई बाल, जो मांगा वो सब मिल गया हमारे लिए। मैं भी बात करूंगा आगे तो ध्यान में आएगा, मेरे मित्र सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी जो आगे चले गए दूसरे कार्यक्रम में, माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कहा धीरेन्द्र जी भी आगे गए। चलिए कोई लगभग 1000 करोड़ की बहोरी बंद परियोजना का आज शुभारंभ किया गया। मैं आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के विधायक माननीय प्रणय पाठक जी, इन सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। लगभग 40 साल पुरानी एक बड़ी परियोजना जो पूरे क्षेत्र की दशा बदलेगी, लगभग सारे गांव के अंदर ये न केवल अपनी स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरीगेशन से पानी की उपलब्धता देगी, बल्कि नवीन तकनीक के आधार पर एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ कई सारी और परियोजनाओं के लिए भी घोषणा की गई। यहाँ बोहरी बंद को नगर परिषद बनाने की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई है। बोहरी बंद के विकास के मामले में, कटनी के विकास के मामले में कोई और कसर बाकी नहीं देगी, जो जो मांगा जाएगा सदैव मैं कटनी और हमारे बोहरी बंद के विधायक और सांसद जी के साथ। घटना आई है सामने, और की जो घटना सामने आई है, हमारी त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो जिदंसी घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है, और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है, कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी को फुर्सत है, वो क्या करेंगे, उनको तो उनकी सरकारों के अंदर क्या हो रहा है उनको कलकत्ता में दिखता नहीं, बाकी बात करते नहीं है। हिम्मत हो तो बोले ना, बताए उनके सामने आकर के। देश को लज्जित करने का काम राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है।